तो दोस्तों आज की इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में एंटरप्रेन्योरशिप यानी ईपीएस क्लास 12 का चैप्टर 7 परियोजना की अवधारणा एवं नियोजन के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जो आपके 2021 की इंटर की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप आज की इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आप लोगों को 2021 की इंटर की परीक्षा में 10 नंबर यानी 10 मार्क्स गारंटी मिलेंगे। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और ये हम लोगों का चैप्टर 7 है, और इससे पहले मैंने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली वीडियो इसी चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखे हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए, या फिर आप इस वीडियो को कंप्लीट यानी पूरा देखिए। और पूरा देखने के बाद लास्ट में आपको इस बॉक्स में एक वीडियो मिलेगी, वो हम लोगों का चैप्टर 6 की वीडियो होगी, तो उसे आप जरूर देखिएगा, लेकिन इस चैप्टर 7 को कंप्लीट देखने के बाद। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन यानी पहला क्वेश्चन डैश मूल्यांकन परियोजना की तैयारी के लिए किया जाता है। डैश अप्रेशियल इज मेड फॉर प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, यानी किस चीज़ का प्रयोग जो है मूल्यांकन परियोजना के लिए किया जाता है। तो एक का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए परियोजना यानी प्रोजेक्ट। परियोजना मूल्यांकन परियोजना की तैयारी के लिए किया जाता है, इसलिए एक का सही आंसर ऑप्शन ए परियोजना यानी प्रोजेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट हम लोग इसको थोड़ा कर लेते हैं जूम ताकि आप लोगों को सही से दिखाई दे। और नेक्स्ट हम लोगों का दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, प्रत्येक नया व्यावसायिक अवसर डैश होता है। एवरी न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज डैश, अर्थात प्रत्येक नया व्यावसायिक अवसर जो होता है वो क्या होता है। तो दो का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी अद्वितीय यानी यूनिक होता है। प्रत्येक नया व्यावसायिक अवसर अद्वितीय होता है यानी यूनिक होता है, तो दो का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन, स्थान चुनाव में श्रम अवस्थित डैश कारक मानी जाती है। इन केस ऑफ साइट सिलेक्शन लेबर सिचुएशन इज कंसिडर्ड एज डैश फैक्टर, यानी स्थान चुनाव में श्रम अवस्थित डैश कारक मानी जाती है, मतलब कौन सी कारक मानी जाती है। तो तीन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये बाह्य अर्थात एक्सटर्नल। स्थान चुनाव में श्रम अवस्थिति बाह्य यानी बाहरी कारक मानी जाती है, तो तीन का सही आंसर ऑप्शन ए बाह्य अर्थात एक्सटर्नल। चलिए आगे देखते हैं, और नेक्स्ट हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, परियोजना पहचान व्यवहार करती है। प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन डील्स विथ, यानी परियोजना पहचान किस पर व्यवहार करती है। ये क्वेश्चन BSEB यानी बिहार बोर्ड द्वारा 2015 एवं 2016 में पूछा गया था, जो आपके 2021 की इंटर की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके सेंटअप एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चार का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये व्यवहारीय परियोजना विचार से, वियबल प्रोडक्ट आइडिया। परियोजना पहचान व्यवहार करती है व्यवहारीय परियोजना विचार से यानी वियबल प्रोडक्ट आइडिया से, तो चार का सही आंसर ऑप्शन ये व्यवहारीय परियोजना विचार से। नेक्स्ट हम लोगों का पांच नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, परिमाननीय परियोजनाओं से निम्नलिखित संबंधित नहीं है। फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड विथ क्वांटिफिएबल प्रोजेक्ट्स, यानी परिमाननीय परियोजनाओं से निम्नलिखित संबंधित नहीं होती है, यानी परिमाननीय परियोजनाओं से क्या संबंधित नहीं होती है। तो पांच का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी परिवार कल्याण फैमिली वेलफेयर, ठीक है। परिमाननीय परियोजनाओं से परिवार कल्याण संबंधित नहीं है, यानी पांच का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन, उपकरणों के प्रमाणीकरण में कमी होती है। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द इक्विपमेंट इज ड्यू टू, उपकरणों के प्रमाणीकरण में कमी होता है, किस चीज़ के कारण कमी होता है। तो बाह्य बाधाओं से एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स, यानी उपकरणों के प्रमाणीकरण में कमी होती है बाह्य बाधाओं से यानी बाहरी बाधाओं से। 6 का सही आंसर ऑप्शन बी बाह्य बाधाओं से। चलिए आगे देखते हैं, और नेक्स्ट हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन, कारक प्रबलता पराक्ष परियोजनाएं हैं। फैक्टर इंटेंसिटी वारंटेड प्रोजेक्ट्स आर, यानी कारक प्रबलता पारक्षीय परियोजनाएं हैं। तो 7 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों, बोथ ए एंड बी, अर्थात पूंजी प्रबल परियोजनाएं कैपिटल ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स, श्रम आधारित परियोजनाएं लेबर इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स, ए दोनों। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों, बोथ ए एंड बी। आगे देख लीजिए, नेक्स्ट हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन, एक परियोजना है, ये प्रोजेक्ट इज, एक परियोजना है, एक परियोजना क्या है। तो एक परियोजना गतिविधियों का समूह है, क्लस्टर ऑफ एक्टिविटीज,
एक परियोजना जो होता है वह गतिविधियों का समूह होता है यानी ग्रुप होता है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए, गतिविधियों का समूह, क्लस्टर ऑफ एक्टिविटीज। आगे देखिए नेक्स्ट हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन, परियोजना का जीवन चक्र निम्नलिखित से संबंधित नहीं होता है, ठीक है। परियोजना का जो जीवन चक्र होता है वो निम्नलिखित से संबंधित नहीं होता है, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इज नॉट कंसिडर्ड कंसर्न्ड विथ द फॉलोइंग। यानी परियोजना का जीवन चक्र निम्नलिखित से संबंधित नहीं होता है, मतलब किससे संबंधित नहीं होता है, तो स्थिरीकरण चरण से, अर्थात स्टेबिलाइजेशन स्टेज। परियोजना का जीवन चक्र स्थिरीकरण चरण से संबंधित नहीं होता है, तो 9 का सही आंसर ऑप्शन डी। और नेक्स्ट हम लोगों का देख लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन, परियोजना निम्न से संबंधित नहीं होती है, परियोजना जो होती है वो निम्न से संबंधित नहीं होती है, प्रोजेक्ट इज नॉट कंसर्न्ड विथ, परियोजना निम्न से संबंधित नहीं होती है। ऑप्शन ए नवप्रवर्तन, इनोवेशन, कल्पना शक्ति, विजन, जोखिम, रिस्क और सृजनता, क्रिएटिविटी। तो फ्रेंड्स, इस 10 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और ना पता हो फिर भी कमेंट करें, मैं आप लोगों को आंसर कर दूंगा। सो इस 10 नंबर का जो सही ऑब्जेक्टिव का जो आंसर है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको थोड़ा कर लेते हैं जूम आउट ताकि आप लोगों को सही से दिखाई दे। और नेक्स्ट हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन, परियोजना प्रबंध संबंधित नहीं होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज नॉट कंसर्न्ड विथ, परियोजना प्रबंध संबंधित नहीं होता है, मतलब कि परियोजना प्रबंध किससे संबंधित नहीं होता है, तो बी केंद्रीकृत नीति निर्धारण से, डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ठीक है। परियोजना प्रबंध संबंधित नहीं होता है विकेंद्रीकृत नीति निर्धारण से, यानी 11 का सही आंसर ऑप्शन डी। आगे देख लीजिए नेक्स्ट हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन, विस्तारीकरण परियोजना मदद करती है, एक्सपेंशन प्रोजेक्ट हेल्प्स इन, विस्तारीकरण परियोजना मदद करती है, तो 12 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अतिरिक्त अवसरों का लाभ उठाना, ठीक है, इन कैशिंग एडिशनल अपॉर्चुनिटीज। यानी विस्तारीकरण परियोजना मदद करती है अतिरिक्त अवसरों का लाभ उठाने में, तो 12 का सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन, आधुनिकीकरण सुधारता है, मॉडर्नाइजेशन इम्प्रूव्स, आधुनिकीकरण किस चीज़ को सुधारता है, तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षमता यानी कैपेसिटी को। देख लीजिए डी नंबर में कि आधुनिकीकरण सुधारता है क्षमता को यानी कैपेसिटी को, तो 13 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्षमता यानी कैपेसिटी को। तो फ्रेंड्स, इस 13 ऑब्जेक्टिव यानी 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर पता था प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।